ओम श्री गणेश आय जय भोलेनाथ जय शिव शक्ति वेलकम बैक टू अवर चैनल कैसे हैं आप सब आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन यानी कि मेष राशि के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि फेबररी 2023 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा ये एक जनरल रीडिंग है अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं आई वेलकम यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और बाकी की डिटेल्स जो हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं आप चेकआउट कर सकते हैं सो लेट्स बिगैन स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट आगे बढ़ने से पहले डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पेज uh, का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपनी डेली रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम तो लेट्स बिगेन सबसे पहले हम देखेंगे uh, क्या ब्लेसिंग्स हैं ठीक है वट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स द एरीज फॉर फेबर टू क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एरीज के तरफ फेबररी मंथ में लेट्स फाइंड आउट ओके सो वी हैव लॉर्ड बुद्धा ही अ ब्यूटिफुल कार ही बुद्धा का कार है चलिए ओके लॉर्ड ऑफ कंपैशन ठीक है मेड वन हु अचीव्ड एनलाइकमेंट हु फेल्ट नी द अट्रैक्शन और हेट फॉर द काउंटलेस आर्मीज ऑफ कोच सीन्स सेंट टू अटैम्प्ट हिम बाय द लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड ब्रिंग यू पीस ओके ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं देख लेते हैं नॉन वायलेंस अटेनमेंट ऑफ निर्वाना डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ली टेम्पटेशंस रेडिनेस एंड अबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अधर्स ओके एडीज़ तो इट्स अबाउट लाइक यू आर इन टू अ जोन जहाँ आप मुझे ऐसा लगता है कि पीसफुल ठीक है और मे बी इट्स अबाउट सेल्फ लव और मे बी इट्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी एंड कंटेंट फील करने वाले हैं रिलैक्स्ड काम जैसे आप बुद्धा का आ, देखते हैं आप देख सकते हैं भगवान बुद्धा ठीक है ऑलवेज एट पीस ऑलवेज़ एट लाइक काम यू नो तो वो एक अंदरूनी हैपीनेस होती है उसका बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता तो मे बी एरीज़ के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप प्रैक्टिस भी करें प्लस ये ब्लेसिंग्स भी हैं आपकी तरफ आपके लिए जो आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ फेबररी ठीक है तो इसको रिसीव कीजिए एंड इट्स ऑल अबाउट मतलब नॉन वायलेंस मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ कोई बहस नहीं आपको पता है कि जो है अच्छा है जो आपके लिए है वो आप तक पहुंच जाएगा ठीक है एंड डिटैचमेंट uh, इसका मतलब आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे इट्स अबाउट नेचुरली थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ और गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड यर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू चलिए आप देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फेबररी एडीज़ के लिए ओवरऑल uh, एनर्जी क्या रहने वाली है मंथ ऑफ all फॉर ऑल द so सो वी हैव द कार्ड walking अवे Yes. <laughs> यही अभी हम बात कर रहे थे आई थिंक यस ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं यू आर डूइंग वेल मनी वाइज ऑल्सो फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेल बट द थिंग इज नाउ अब एक नया चैप्टर बिगन हो रहा है मुझे लग रहा है वो कैसे कि यू आपको जो चीज पसंद नहीं है या आपको जो लगता है कि आपकी लाइफ में इट्स नॉट ट फॉर यू इट्स नॉट गुड फॉर यू आपके लिए सही नहीं है आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और पिक्चर में बटरफ्लाइज भी हैं ब्यूटिफुल सो मे बी इट्स अबाउट अ डिवाइन मैसेज एज वेल की आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है चेंज आने वाला है ठीक है न्यू लाइफ बिगेन हो रही है जो डोर्स uh, मतलब डोर्स आप क्लोज कर रहे हैं आ, पीछे छोड़ रहे हैं ठीक है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सो न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप और जो ओल्ड वंस हैं दैट आर लाइक क्लोजिंग और आपकी लाइफ में लाइट आई एम गेटिंग लाइट आई एम गेटिंग पिंक कलर ठीक है और हो सकता है आपके लिए अच्छा हो और मे बी इट्स अबाउट पिंक इज़ लाइक यू नो वेरी वाइब्रेंट एंड लव एंड पैशनेट कलर ठीक है तो वो चीज़ है सो मे बी यू आर फॉलोइंग योर पैशन आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रेड पिंक ठीक है इट्स योर पावर गेटिंग इन टू योर पावर अपनी पावर में आ रहे हैं ठीक है इट्स ऑल अबाउट दैट एंड फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट सो वो चीज़ मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज़ के लिए फेबररी मंथ के लिए चलिए हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं कैसी रहेगी um, कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ फॉर द कमिंग मंथ लेट्स फाइंड आउट ओके ओके सो वी हैव दैट बिर ऑफ स्ट्रगल ही गोइंग ऑन अभी जो मुझे दिखाई दे रही है ठीक है जो लाइक मे बी इट्स अबाउट लाइक आप अटेंशन चाह रहे हैं और वेट कर रहे हैं या हो सकता है यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन पर आप वेट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड uh, uh, हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन हो uh, इसलिए टाइम लग रहा है ठीक है ये जो पर्सन है दे आर लाइक स्टिल हॉन्टेड उनको लगता है कैसे होगा क्या होगा क्या वो मूव ऑन कर जाएँ क्या वो आपका वेट करें या ऐसे थाट्स उनके मन में आ रहे हैं ये जो पर्सन है ठीक है इनका जो मूव है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी बातें हों खूब सारी uh, इस पर्सन के साथ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं कार्ड में ठीक है और मे बी कमिंग थ्रू हो सकता है आप से मिलना चाहे आपसे बात करना चाहे लेकिन यू आर टेकिंग इट स्लो ठीक है आप थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ठीक है सोचते हैं ठीक है डिसाइड है, करते हैं क्या है जो भी मैटर है आप लोगों का वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओके आउटकम की अगर बात करें आई थिंक समथिंग माइट हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू हो सकता है या तो आप लोगों की इस बात पर बहस हो सकती है या हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो और समथिंग ठीक है मतलब एकदम से सडन कोई बन, प्लान बने और फिर वो चीज़ स्टक हो जाए और फिर आगे चल के आप इस चीज़ को यू नो दोबारा से रीस्टार्ट करें ऐसा कुछ भी हो सकता है सो इट्स अबाउट दैट कि एरीज़ थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट लाइक यू आर टूवर्ड्स यू नो न्यू रिलेशनशिप हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप हो जो लोग लव कनेक्शन में या नॉट द वन जो मैरिड है जो लोग लव कनेक्शन में हो सकता है आप कंसिडर कर रहे हैं कोई न्यू रिलेशनशिप आप स्टक नहीं रहना चाहते जैसे कि हमने ओवरऑल एनर्जी चेक की थी या हो सकता है कि आप अपने काम पर तब तक फोकस कर रहे हैं कि ये सब कुछ होने वाला है जो भी है सो इट्स अबाउट दैट ठीक है डेफिनेटली देयर इज सम अदर पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ़ यू ठीक है या हो सकता है कि आप इस वजह से टाइम ले रहे हैं तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन uh, लव अगर हम बात करें फॉर ऑल द एरीज फॉर फेबर मंथ ठीक है तो आउटकम यही है दैट मे भी हो सकता है कि कुछ लोग इट्स अबाउट uh, कि सडन uh, कुछ शिफ्ट आए सडन आप लोगों के बीच में कोई इस चीज़ को लेके बात हो या reconciliation होते होते रह गया या कुछ ऐसा हो गया ठीक है और फिर दोबारा uh, हो जाए कुछ दिन बाद हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए ठीक है या किसी बात की वजह से uh, बहुत ज्यादा न्यू एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है पैशन ओवरवेलमिंग इमोशंस और मे बी कहते ना दोबारा से पैचअप होना री स्टार्ट होना री इग्नाइट होना चीजें वो भी मुझे दिखाई दे रही है सो so, हो, हो सकता है एरीज इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो फॉर अ रीजन ठीक है चलिए करियर की बात करते हैं आ, करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल द एरीज फॉर द मंथ ऑफ फेबर ओके आई थिंक देखिए अगेन मनी इज़ कमिंग एंड मनी इज़ लाइक आप शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में इसलिए मे बी आप वेट कर रहे हैं और मे बी यू आर लाइक डिपेंड हो रहे हैं किसी पे या और मे बी इट्स अबाउट कि आपने लोन के लिए अप्लाई करा या ऐसा कुछ हो सकता है इट्स अबाउट दैट सो वो चीज़ आपकी तरफ आ सकती है और मे बी इट्स अबाउट कि रनिंग आउट ऑफ एक्सपेंसेस और फिर आप यू नो लाइक सडनली कहीं से हेल्प मिल रही है आपकी सैलरी ड्यू थी पे ड्यू थी तो वो आ रही है बट यू आर इन्वेस्टिंग सम समवेयर मुझे ऐसा लगता है आप इस मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं और मे बी यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस और ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है सो इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इट्स अबाउट पार्टनरशिप इट्स अबाउट डील ये चीज़ें मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है तो क्या होगा आई थिंक इट विल वर्क आउट इन योर फेवर लेकिन आपको बैलेंस्ड वे में चलना होगा येस इट विल वर्क आउट ठीक है बट बैलेंस्ड वे में चलना है और येस uh, अगेन yes, हमारे पास आ, बार बार आ रहा है ठीक है वो चीज़ दिखाई दे रही है टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स या मे बी इट्स अबाउट कि खर्च जैसे कहते हैं ना कि Uh, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आमदनी अठानी खर्चा रुपया आपने वो वाली मूवी देखी होगी ना दैट काइंड ऑफ अ थिंग ठीक है ना तो इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के रखना ओके यस आई थिंक यू विल बी क्वाइट कंटेंट ठीक है एट द एंड जो भी होगा आउटकम अच्छा ही होगा फॉर ऑल द एरीज़ इन सेक्टर अगर हम करियर की भी बात करें तो देख लेते हैं आप हाँ, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज़ फेब्ररी मंथ के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स ओके सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर पार्टिसिपेट कीजिए ठीक है अलाइन कीजिए अब जब अलाइन करते हैं सो मे बी इट्स अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा आपकी इनर पावर चाहिए होती है डिफेंसिव होने से कुछ नहीं होगा अगर आप सोचेंगे कि नहीं माई वे और द हाई वे अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, uh, मतलब मतलब यू नो पार्टिसिपेट नहीं करना उल्टा डिफेंसिव हो जाना कि नहीं नहीं ठीक है जो भी होगा लाइक स्ट्रगलिंग इट्स अबाउट रीचिंग नोवेयर वो चीज़ नहीं चलेगी अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को अलाइन करना होगा आपको यूनिवर्स जो साइन दिखा रही है उनके अकॉर्डिंगली चलना होगा अगर आप सिर्फ फ्लो के साथ चलते रहेंगे आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस लेके आने हैं यू कांट बी लाइक अ डेड फिश ठीक है तो फिर आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं ठीक है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस और दूसरा ये कि येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट स्ट्रेस लेके मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है स्ट्रेस दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं या बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है एंगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलिए ठीक है कम आउट ऑफ दैट और uh, दूसरा देखिए यहाँ पे भी हमारे पास इट्स काइंड ऑफ अ व्हील ठीक है और यहाँ पर भी हमारे पास चेंज है सो सम चेंज इज़ ऑन अगर आप चेंज के साथ चलेंगे तो समझ गए ना कि अगर आप चेंज के साथ आप अलाइन होंगे ये नहीं कि सर्कल के अंदर अंदर घूम रहे हो सर्कल से बाहर निकल के आगे की तरफ बढ़ना वो चीज़ दिखाई दे रही है अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो चाहे वो आपके करियर में हो चाहे आपका कोई पर्पस है चाहे कोई पैशन है ठीक है ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है सो दिस इज़ इट ये थी आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो ईरीज और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद एन रीडिंग टिल देन टेक केयर अपना ख्याल रखिए